क्या आप लोगों को पता है कि ये प्लास्टिक वाले बोतल्स और ये कैन, इससे हमें पैसे मिलते हैं स्वीडन में। वो किस तरह, वो आप लोगों को मैं अभी समझाता हूँ। हम जो भी बोतल्स, एनर्जी ड्रिंक्स वाला या फांटा कोका कोला, जो भी बोतल्स या प्लास्टिक बोतल्स या कैन होता है, इससे हमें 1 करोड़ मिलता है। इस पे भी 1 करोड़, ये हाफ लीटर है और ये 25 CL है। इससे भी हमें पैसे मिलते हैं। जो बड़ा बोतल्स होता है 2 लीटर वाले प्लास्टिक वाले, उससे भी हमें 2 करोड़ मिलते हैं। ये छोटे से 1 करोड़ मिलता है। ये सिर्फ रजिस्टर्ड, जो स्वीडन में रजिस्टर्ड होता है, उससे हमें मिलता है। और ये लिखा होता है जो स्वीडन में रजिस्टर्ड होता है और जो टैक्स पे करते हैं। ये है बार कोड और ये हो गया ये पॉइंट, ये वाला PANT1KR, इसे 1 करोड़, इस तरह जो लिखा होता है, तो इससे हमें 1 करोड़ मिलता है। अगर बाहर मुल्क से आप लेके आते हो तो उससे हम उस वो आप डाल नहीं सकते उधर, उससे आपको 1 करोड़ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह ये प्लास्टिक वाली बोतल्स, इस पे भी है, ये हो गया बार कोड और ये हो गया PANT1 करोड़, पॉइंट 1 करोड़। और जो बड़ा वाला 2 लीटर वाला जो होता है, उस पे इधर बार कोड होता है और इधर पॉइंट 2 करोड़ लिखा होता है बड़े वाले पे। तो चलिए, ये अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह ये काम करते हैं और किस तरह इसको हम रिटर्न करते हैं। तो आज ये है बोटल्स, ये है पंच मशीन। तो अभी हम क्या करते हैं, ये अभी एक पंच ये अभी लेते हैं, अभी इसको आप इधर डालते हो, ये इधर स्कैनर लगा होता है, ये आप बिल्कुल लाल सा ये जो आ रहा है ना, ये स्कैनर है। तो अभी इधर हो गया पंच, 1 करोड़ हो गया प्लास्टिक वाला। अभी मैं प्लास्टिक, ये प्लास्टिक वाला है, इसको भी अभी मैं, ये इधर प्लास्टिक वाले में भी 1 हो गया और पंट वाले में भी 1 हो गया। इस तरह आप रखोगे, अगर इस तरह रखोगे तो ये इधर गोटशन नहीं होगा, ये आएगा नहीं। ये वाला बोटल्स मैं इसको इस तरह रखता हूँ, यह नहीं आएगा। समर में जो मेले लगते हैं स्वीडन में, समर में बहुत ज़्यादा मेले लगते हैं और बहुत सारे मार्केट्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग मार्केटों पे आते हैं, हर जगह पूरे स्वीडन में लगते हैं। बल्गारियन या जो रोमानियन वाले लोग जो है वो लोग, या पोलैंड वाले लोग इधर आते हैं समर में, स्पेशली जो सीजनल काम होता है वो भी करते हैं। और उसके अलावा भी सैटरडे संडे को जो मार्केट्स लगती हैं, तो मार्केट्स में बहुत सारे लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं। और जो इस तरह के बोटल्स, एनर्जी ड्रिंक्स या मतलब इस तरह के प्लास्टिक के पानी वाले, जो कोका कोला, पेप्सी या जो भी बोटल्स वो पीते हैं, तो फिर हर जगह नहीं फेंकते, वो एक जगह होता है उधर लोग फेंकते हैं, उसके सामने प्लास्टिक, बड़ा एक प्लास्टिक लगाया होता है, तो उस पे लोग टिश्यू भी फेंकते हैं और ये बोतल जो खाली होते हैं वो भी फेंकते हैं। और फिर कुछ लोग जो बल्गारिया से, या मतलब रोमानिया या पोलैंड या बाहर लोग, स्वीडन से बाहर जो लोग होते हैं वो आते हैं और इसको कलेक्ट करते हैं वहाँ से, एक एक दो दो, मतलब जहाँ जिस पे जितना भी हो, और वो फिर नज़दीक दुकान पर जाके पूरे स्वीडन में आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो ये है पूरे समर में स्पेशली लोग इस तरह बहुत ज़्यादा, विंटर में भी लोग करते हैं, स्पेशली सैटरडे और संडे नाइट को बहुत ज़्यादा सिटीज़ में, जहाँ पे
नाइट क्लब जो होते हैं तो सिटी में बहुत सारे लोग एनर्जी ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें पीते हैं। तो अभी इसको हम रिटर्न करते हैं। तो ये अभी टोटल हो गया, टोटल प्लास्टिक वाले 4 बोतल्स मैंने पैक किए हैं और ये हो गया टोटल 2, सॉरी, तो उसके 4 क्रोन्स आ गए। और ये इस तरह का एक रसीद निकलता है और 13 क्रोन्स जो एल्युमिनियम वाला है। तो ये टोटल हो गया 13 प्लस टोटल हो गया 19, सॉरी 15 प्लस 4 तो 19 क्रॉन हो गए। ये हो गया, इधर रसीद मेरी निकल गई है और ये आप लोग देख सकते हो, इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जितने भी, ये हो गया स्कैनर्स, ये हो गया ट्रॉली, ये जितने भी एल्युमिनियम वाला होता है इस तरह ये क्रैश होता है और प्लास्टिक वाला इस तरह क्रैश होता है। और ये फिर जाता है, मैं जिस कंपनी वाला के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको मैं फ़ोन करके, वो आते हैं तो वो फिर लेके जाते हैं और ये रिसाइकल हो जाते हैं दोनों। अच्छा जी, ये टोटल हो गया 3 रसीद, इस पे हो गया 6 क्रॉन्स, इस पे 2 क्रॉन है और इस पे है 19 क्रॉन। तो 19 और 2, 21 और 6, 27, टोटल 27 क्रॉन ये मैंने अभी बचाए हैं। ये इसलिए भी अच्छा है कि मुल्क के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो ख़ुद भी आप लोगों को पता है कि माहौल दोस्त नहीं होता और माहौल के लिए ठीक नहीं होता। तो पाकिस्तान में इस तरह है कि जो भी इस तरह के जो जितने भी बोतल जो होते हैं प्लास्टिक वाले, तो वो किलो के हिसाब से मेरे ख़्याल में या टन के हिसाब से मेरे ख़्याल में बिकता है। अगर ये वाला सिस्टम शुरू हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। एक तो माहौल के लिए भी अच्छा होगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा, लोग बोतल को सेव करेंगे और फिर मार्केट पे जाके इसको इस तरह के पैसे मिलने चाहिए, जो मतलब एक आइडिया है और बहुत बेहतरीन आइडिया है। और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये भी टोटल 27 क्रॉन। ये अभी निकाल के मतलब जो भी कस्टमर आते हैं उसको मैं इस तरह स्कैन करके, या इसके आप कोई चीज़ भी ले सकते हो या कैश भी ले सकते हो।